close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hello everyone, welcome to my channel. और अब 3 से 4 मेरी क्लास होती है और मैं लेट हो चुकी हूँ बिल्कुल क्लास के लिए. चार्जिंग बहुत कम है और पहले फ़ोन चार्ज करूँगा. आ गया हमारा तो गाइज ये है मेरा दोस्त हर्ष. तो गाइस वो अटेंडेंस मार्क तो मेरी क्लास है बहुत बड़े वेलकम की. अभी हर्ष गया था क्लास में, इसको बाहर निकाल दिया क्लास से. अब मेरे को डर लग रहा है. मैं वो मेरी क्लास थी नहीं तो बाहर ही निकाल. तो आधा घंटा ऊपर हो गया, मैं नहीं जाऊंगी. कौन सी वाली रेड वाली रेड थी आगे वाली रेड ये ले पहले ले. मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है. ये ले क्या शाबाश बेटा. नहीं मैंने सुबह फोन चार्जिंग पे लगाया था पर मैंने बटन ऑन नहीं करा. ये तो बहुत सैड हो गया, मुझको रोना आ रहा है ये दुख सुन के. सिर्फ 10% पे आई हूँ मैं. शिट मैंने जूम आउट नहीं करा था. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. ये बनेंगे व्लॉगर आज के. मैं सोच रहा है मेरी अटेंडेंस पूरी ना होगी तो फिर ये हाइट अच्छी है. नहीं मैं सोच रहा हूँ अगर मैं गिरा और अगर वो बुक्स बीच में आ गई तो मेरी डेड बॉडी से वो बुक्स के पैसे तो नहीं लेंगे ना. मतलब सोचने वाला सवाल है. जब बॉडी डेडी हो जाएगी फिर पैसे किससे लेंगे? मेरी जेब में जो होंगे वो ले लेंगे. तो तूने कौन सा साथ लेके जाने हैं? वो तो किसी ना किसी ने ले ही लेने. इससे अच्छा जिसकी तूने बुक्स फेंकी है नीचे जाऊंगा ही ले ले. मैं जाऊंगा ही. चलाया फोन चार्ज करते हैं भाई. तो गाइस मुझे मेरा सब्सक्राइबर मिला यहाँ पे. मैंने इसकी चैनल देखी आज ही. मैं इसका सब्सक्राइबर ये रहा वो. ये सब्सक्राइबर बहुत बढ़िया है. ये देखो ये मेरा दोस्त ही है असल में. इसको मैंने पैसे दिए थे. इधर खड़ी थोड़ी ना होंगी मैं चार्जर लगा के. किसी क्लास में लगाते हैं लगा के चले जाते हैं. कहीं दूर जब दिल घबरा है. तो गाइस मुझे और मेरे फ्यूचर सब्सक्राइबर शायद मिल गए हैं. वो हंस रहे थे मेरी बात पे. शायद उनको मैं फनी लग रही हूँ थोड़ी सी. मे भी क्या जाता है डिल्यूजन में रहो. सोचो कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है. सोचते रहो क्या बात करता है. किसी का बिल आ रहा है सोचने में. तो पूरे रास्ते ब्लॉक करते भाई. नहीं नहीं मैंने यहाँ पे आगे शुरू करा है. मेरे को पहले इतना वो हो रहा था कि क्लास फोन की चार्जिंग इतनी लो है. आज तेरे ना ब्लॉग का कंटेंट लेके आते चले. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. तो भैया ने अकेले क्लास लगाई है. भैया के मुंह से कुछ बोलने के लिए है नहीं क्योंकि इनके पास टैलेंट ही नहीं है. मेरे पास सिर्फ टैलेंट है. वेरी गुड. मेरी टेंडेंसी ने लगाई मैम ने पहले. उन्होंने बोला खड़ूस मारना. मैं तो क्लास के अंदर ही नहीं गई. गाइस अभी तुम्हें मेरी एनर्जी दिखेगी कुछ खाना खाने के बाद. ये तो अभी बच्चे हैं हम लोग. तुम्हारा भाई आएगा ना जब लोगों पे इस फोन से तो देख. यू सीरियस? कुछ लोग होते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड और धुएं में जीते हैं. तो गाइस कुछ लोग होते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड और धुएं में जीते हैं और कहते हैं कि मैं ही सबसे बड़ी हूं. तो ये एग्जांपल है. सड़ते हैं बच्चे हमसे. जिसको जिस जो जलता है उसको साइड से निकलने को क्या है. पता मेरे को सब्सक्राइबर मिला मेरा ये हर्ष सब्सक्राइबर. सब्सक्राइबर नहीं मैं सब्सक्राइबर हूँ. ओ यार चल उधर देख उधर देख पीछे कर ला को. वो तेरी वाली चीजें बड़ी हो हाथ कहाँ पर है मतलब. तो गाइस ये कैंटीन हमारी 34 की 6th फ्लोर. चाय भाई चाय. हाँ चाय. हर्ष तू क्या लेगा? हर्ष कुछ भी. ओ ब्रा मेरे पैर एक छोटे छोटे आधे से घूम रहे हैं. भैया मीठी चटनी डाल दे रहे हैं गली चम्मच दे दो एक और.
भैया यहाँ से वो मिलेगी खट्टी टॉफी जो वो रील्स पे फेमस है। बस और झूठ नहीं। गुजरात से सब्सक्राइबर आए मेरे को मिलने यहाँ पे, ये देखिए ऐसे सब्सक्राइबर जब मिलते हैं ना गाइस को अच्छा लगता है, इतना आपको सपोर्ट करते हैं। मैं पता है गुजरात से साइकिल चला के आया स्पेशली आपसे मिलने के लिए, पता है घर पे भी नहीं बताया मैंने। हाँ शरीर से तो वैसे भी लग रहा है कुछ खाता है। ये बोलना जरूरी था नहीं, मैं मेरे को हंसी नहीं आई, मेरे को हंसी नहीं आई। अरे कहना क्या चाहते हो? तू किधर बैठेगा? तू इधर ऊपर बैठ जा इसी के। नहीं, ये टेबल मेरे लिए तो है। अच्छा मैं रील्स देखता ही नहीं। ये रील्स नहीं देखता, रील्स नहीं देखता, बस अपनी रील्स ही देखता हूँ अपनी, मतलब है ना। हाँ अपनी, वेरी गुड गुड सर। और ना गंगा हो जाके यूट्यूब पे ना शॉर्ट्स देखता हूँ, एक शॉर्ट आया है शॉर्ट देखता हूँ फिर भी आ गया गुजरात से। नहीं उसने शॉर्ट का है ऐसा शॉर्ट बोला, शॉर्ट वही तो एक ही तो है उसके लिए भी आ गया देख लो गुजरात से। तो गाइस ये शिवी गहुजा आपने बहुत ही इनको फॉलो करा होगा इंस्टाग्राम पे। गंगा गहुजा आपने यूट्यूब शॉर्ट्स देखे होंगे सिंगिंग की, केसरिया तेरा इश्क है पिया। तो अभी हम करते हैं ट्राई एक रिकॉर्ड करने के लिए, मेरे को याद आते हैं उन्होंने कुछ सिंगिंग का रिकॉर्ड करते हैं डीएस चलने लगे। ये 33 ऐसे लग रहा है क्लासिक नहीं किसी की, क्लासिक नहीं किसी की क्या, मतलब ब्लॉग का भी ब्लॉग बनाया जा रहा है। छोटू दा आज पानी है भाई, छोटू स्टोरी भी नहीं बनाता यूट्यूब चैनल, सो आओ स्टोरी बनाओ। आज मैं भी बनाऊंगा तेरी खुद ऐसी अपने गाने की ना, वो ही गाना वो ही गाना मैंने शेयर करा होगा पता है। हां मैंने तो इनको भी पाना था सच में। यार ये कितना सही है ना, इतना भी नहीं है वैसे हो गया। चले DSW चले, हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ से जाने की। कूद ही तो रही हो क्या घुमा गया, सीधा यहाँ से जंप मारी है मैंने बिना देखे। तो गाइस अगर आपने ऊजा ऑप्टिकल से कुछ भी बनवाना हो स्पेक्स या कुछ शेड्स तो ये इनको कॉन्टैक्ट करें, थप्पड़ पड़ने वाला है। तो चलते हैं गाइस, जो भी गंगा ऊजा के सब्सक्राइबर है शिवी ऊजा को फॉलो कर लो इंस्टा पे, सिर्फ लड़कियां। मेरी हाइट वैसे मैं लड़कों से बात करता हूं, बस वो क्या कहते हैं जब भैया होते हैं ना मैं उनको सुपीरियर फील कराने के लिए छोटी वाली हरकत करती हूं ऐसे छोटे लगते हैं। ये देखिए वैसे मेरी हाइट, गाइस हमारी हाइट का डिफरेंस देखो कितना हमारे ना देखो थल्ले ही बैठ सब। तो क्या हो गया, जो छोटे लोग होते हैं उनका दिल बड़ा होता है और जो बड़े लोग होते हैं उनका दिल छोटा होता है। दिल बड़ा है ना, ये लो फेंक दूं फेंक इतना ही बड़ा। तुरे आगे हाइट खोली अपनी, आप ट्राई कर सकते हो मुझे नहीं पसंद। आज हमारा व्लॉगिंग का पहला दिन, तो जैसे कि हमने आज एक घंटा क्लास लगा के लगा ली है हमने, आज हमने खा लिया 120 के कुलचे और के साथ हमने क्लास में लेट पहुंचने के बाद मैडम के खाई हमने डांट, मैडम से खाई हमने डांट और फिर हमने सही दोस्तों की बातें और कॉलेज में कुछ करने को नहीं होता इसलिए हम जा रहे हैं घर वापस, मिलते हैं। हम पहुंच चुके हैं रोबोट एरिया, ये रोबोट एरिया हेल्प यू का और हम यहाँ। अरे दीदी हमें तो पता ही नहीं था। चलो अब आपको पता चल गया होगा क्योंकि मैंने बता दिया। कुरु मेरे को इतना लग रहा हो ना कि हाय ऐसे लोग देख रहे हैं, हाय 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 अब नहीं लग रहा, अब तेरी शक्ल वो देखने होंगे ना। हां वैसे कोई बात नहीं, गोली चलूगी जब पैसे ना मिले, क्योंकि मैं एक तक बोल दूं क्योंकि उस तो बाद मैनू गिनती नहीं आंदी। इसका दूसरा वर्जन है वो भी एडवांस लेवल में, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। गलबात बब्बे का एंड लानी है, गड गड टाइम कर लो इसलिए। और वैसे मेरी बहन न्यू ब्लॉगर इन द टाउन,
हाय गाइस जोक से पार्ट गाइस अब हम जा रहे हैं यूनिमॉल और हम वहाँ पे जाके लैपटॉप का कुछ लेंगे जैसे कि हम कर रहे थे तो अब देखते हैं कि लैपटॉप रिपेयर होगा कि नहीं। हाय हेलो क्लासेस खत्म पहले सारे मुझे तुम कभी उनको मेन फोकस नहीं बनाना चाहिए। तो गाइज अब हम चलते हैं। अब बहुत टाइम हो गया मैं रिकॉर्ड करते हुए। हमारे आ चुके हैं ग्रेड्स, हमारे मार्क्स आ चुके थे पर हमारे अब ग्रेड्स आए हैं तो हम देखते हैं कि ग्रेड्स कैसे आए हैं। तो देखो अपना फिर हम देखेंगे। बता बता कितने हैं जल्दी बता। हमारे हमारा अगर ग्रेड सही नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप भी यहीं पे है। वो देखो सामने ही है। नहीं आज तुम्हें क्या लगा मैं कूदने की बात कर रही हूँ? नहीं मैं कह रही थी वो नहीं हूँ, डीमोटिवेटर नहीं हूँ। तो हमारे पास नेक्स्ट करियर है ये, हम फार्मिंग करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इतना बड़ा खेत है एलपी का, हमें इसकी खेती वीट बोला इसने। हम यही फार्मिंग करेंगे। अब हमारे से इन्होंने इतनी फीस पर अभी मेरा ग्रेड देखते हैं। अभी इसके चांसेस शायद नहीं है मेरे लग रहे हैं मुझे। अब देखते हैं हम। तो गाइस फार्मिंग का ऑप्शन हम नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए रखते हैं। अभी हम अभी ये होल्ड पे है क्योंकि अभी हमारे ग्रेड अच्छे आ गए हैं तो हमें कोई अभी हम टिकेंगे थोड़ी देर और एल पी यू में। नहीं पता है क्या मतलब, ऐसा नहीं बोलते कि दोस्त अगर फेल हो जाए ना तो दुख होता है। दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए ना मतलब अच्छे नंबर से पास हो जाए तो ज्यादा दुख होता है। मेरे को दुख हो रहा है। तो गाइस ये आइडिया मैंने इसको मतलब मैंने अपने लिए सोचा था पर शायद ये इम्प्लीमेंट करें फार्मिंग में। पर मैं तो वीड नहीं उगाऊंगा, मैं वीड ही उगाऊंगा। WHEAT वाला ना वीड वीड वीड। चल इंडिया गेट पे फोटो खींच लेते हैं। मुझे गाइस झुकने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। ये इंडिया गेट मेरी पर्सनलाइज्ड है, ये मेरे लिए पर्सनलाइज्ड है ना। उधर जा छुप जा, इंडिया गेट पीछे जा, पीछे पीछे जा, पीछे जा, इधर छुप जा, निकल गया। चल 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 आ जा। अगर आपको भी ऐसा इंडिकेटर बनवाना
करवाना है कस्टमाइज अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, तो आप प्लीज इन्हें कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू। दीक्षा हमारे स्पेशल स्पॉन्सर है इसके। ये वो पीछे बुला रहे हैं। ये क्या कर रहा है? क्या मैं आईफोन वाला थोड़ी हूँ, मेरी बैटरी चलती है 5% मेरी 5 घंटे चलती है। टच वुड भाई, आईफोन ने भी ना तरक्की कर ली है, मतलब तरक्की तो पहले थी। एंड्रॉइड को बीट नहीं कर पाएंगे, बैटरी में तरक्की कर ली है। तू भी अभी अभी उस ग्रुप में आई है, तू भी पहले एंड्रॉइड वाली थी, तो बेइज्जतियां ना मार कर। तो गाइस मैं बता रही थी ड्रीम कैचर 2020 टॉपिक चेंज कर देती हूँ, जब हमारे पॉइंट खत्म हो रहे हो ना, हम माइनस में जा रहे हो किसी टॉपिक में, टॉपिक चेंज करना प्रेफर करते हैं, ना कि उस टॉपिक पे पड़े रहना। या वी डोंट स्टिक टू द सेम टॉपिक। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रास्ता बनाया ये बामुली। आई फील सो ओवरवेल्म्ड बाय एंटरिंग इन योर व्लॉग्स। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बस मेरा तो दिल यू शुड फील यू शुड बी ओवरवेल्म्ड। अब मेरे जीवन में कोई गोल बचा ही नहीं। अब तो मेरा सब खत्म हो गया। मुझे इतना लगता है अब हमें बकल अप कर लेना चाहिए। नहीं लेकिन मैंने जो तो बोला ना उस बारे में तो सोच क्या तू बहते रख लो। उसके लिए भी पैसे चाहिए, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए पता है। हाँ वो कहाँ से लाएंगे, हमने सारी इन्वेस्टमेंट एलपीयू को दे दी। एलपीयू वाले देंगे थोड़ी, तो स्टार्टअप के लिए कहते हैं ना। पता कितने देते हैं, पता कितने, सीरियसली पता कितने देते हैं, जो अगर स्टॉक्स में भी अगर किसी ने ट्रेडिंग करनी है स्टार्ट करना है तो 10,000 10,000 में तो भैंस की टांग भी ना है। चलो अब देखते हैं हमारा क्या बनता है। हम तो हर्ष मुझे यहाँ तक छोड़ने आया, वरना इसको होस्टल तो ना 7 समुंदर पार है, और पता नहीं कहाँ दोबारा से जाएगा। और इसकी बैटरी पता कितनी है, वो 3 हो गई। अभी कह रहे थे एंड्रॉइड वालों की ना बैटरी 5 की 50 के बराबर होती है, पता है ये पहुँच जाएगी, पता है इसमें अभी तेरी 3 की 30 रह गई। क्या होता है लास्ट की जो 1% बैटरी होती है ना, वो ऑलमोस्ट आधा घंटा चलती है। गार्ड पार्क खड़ा खाली रहा है यहाँ पे ना, हमारी यूनिवर्सिटी में गार्ड का बहुत रोला है ऐसे, मतलब गाना सब डर के चलते हैं। रोला नहीं है, जब गार्ड एंटर करते हैं ना तो म्यूजिक चलता है अर्जुन अर्जुन, मतलब एक रोब है, टोरा है, टोरा। मतलब कोई अगर आपको कहे ना कि आप क्या करते हो और वो बोले कि मैं एलपीयू में गार्ड हूँ, मतलब समझ जाओ वो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा काम कर रहा है। भाई टॉप लेवल का काम कर रहा है, टॉप लेवल का। अभी अल्बर्ट आइंस्टाइन कुछ बताओ, थ्योरी बताओ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मैं बोलूंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा, ऊपर से लगाया कितना क्यूट है। वो कहता है भावनी में मैं पैसे दूंगा। चल बाय। We'll go through the wastelands, through the hell.